अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें हम चैप्टर वन जो हमारा टेंथ का था उसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन पे गौर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आईडी से क्या मुराद है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, कंपाइलर से क्या मुराद है, कॉन्स्टेंट क्या होता है और उसकी टाइप्स जो है उसके नाम लिखने हैं आपने, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है। इसके अलावा जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें जो कि पॉसिबल है वो है कि कंपाइलर का सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पर्पस क्या है। तो अगर आप कंपाइलर की डेफिनेशन भी डिफाइन कर दें तो वो भी इनफ है। व्हाट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, ठीक है, या फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रियल कॉन्स्टेंट एंड करेक्टर कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, रियल और फ्लोटिंग बेसिकली एक ही चीज़ होती है। ठीक है जी, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम, इसमें आप अपना स्ट्रक्चर बयान करेंगे लाइक हेडर सेक्शन और वो जो सारी चीज़ें थी। ठीक है जी, हाउ वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड इनिशियलाइज अ वेरिएबल एट सेम टाइम, ये मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कराया था। ठीक है जी, तो पुराने जितने भी लेक्चर हैं उसके मैं लिंक्स इसमें शेयर कर दूंगा कन्वीनियंस के लिए। ठीक है जी, राइट टू रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, वेरिएबल को नाम देने के कोई से दो कानून लिखें, ये तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। कोई सी दो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम लिखें, एक तो आपकी सी है और दूसरी आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल जो है उसका नाम लिखते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आ सकते हैं कि जी सेंटेक्स लिखें एक वेरिएबल को इनिशलाइज करने का या इनिशिएट करने का, ये भी लास्ट लेक्चर में कवर हुआ है। हेडर फाइल किसे कहते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट से क्या मुराद है, CHR और इन डेटा टाइप के दरमियान क्या फ़र्क है। ठीक है जी, रिजर्व वर्ड और कीवर्ड किसे कहते हैं, कमेंट का क्या पर्पज़ होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या यूं भी कह लें कमेंट की वर्किंग क्या है, वाई वी यूज़ कमेंट, हु इज़ प्रोग्रामर। ठीक है जी, इसके अलावा व्हाट इज़ सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर से क्या मुराद है, कितने किस्म के कमेंट्स होते हैं सी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आइडेंटिफायर से क्या मुराद है, स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट जो सी प्रोग्राम में उसे हम कैसे लिखते हैं, सिंटेक्स क्या, और डबल लाइन कमेंट को कैसे लिखते हैं उसका सिंटेक्स क्या है। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें प्रॉबेबली जो आ सकते हैं कि जी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट हमें क्यों चाहिए होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट का पर्पस क्या है, या आईडी जिसे हम कहते हैं। राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम, इसमें आप सी लैंग्वेज प्रोग्राम का वो सारा पूरा सेक्शन बयान करोगे। ठीक है, हेडर, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ मेन लैंग्वेज एक्सेट्रा। पर्पज ऑफ कंपाइलर को डिटेल में आपने बयान करना है विद ब्लॉक डायग्राम जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल को डिटेल में आपने बयान करना है इन दोनों प्रोसेसेस को। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम सेक्शन, ये भी वही चीज़ है जो ऊपर थी, राइट स्टेप्स टू क्रिएट अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम, स्ट्रक्चर बयान करना है आपने अपने सी प्रोग्राम के डिफरेंट सेक्शंस का। कमेंट से क्या मुराद है, इसकी टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करें और ये प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे यूज़ होता है। ठीक है, ये पूरा एक कमेंट का जो टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है उसको आप ये बेसिकली यहाँ पे पूरा लिखेंगे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इसके आप कुछ तीन से चार डिफरेंसेस लिखेंगे। वाओ, तो लास्ट वही कि एक वेरिएबल को नाम देने के सारे कानून आपने लिखने हैं जो आपको सिखाए गए। तो ये था आज का शॉर्ट सा लेक्चर, हमने चैप्टर वन को एंड कर लिए, चैप्टर टू की तरफ हम बढ़ेंगे, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली नाइन्थ का चैप्टर थ्री भी हम कवर करना शुरू करेंगे। मैथ को भी मैंने थोड़ा सा ज़रा पॉज किया हुआ है, मैथ भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। तो बकाया आपके सजेशंस, फीडबैक, कमेंट्स, क्यूरीज मैं पढ़ता रहता हूँ, आप वो भी शेयर कर दिया करें। अगर कोई टॉपिक आपने किसी और मतलब बुक का कवर करना हो तो आप वो भी ज़रूर शेयर किया करें, मैं ऐसा ऐसा उनके ऊपर भी आता जाऊँगा जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ध्यान रखें, अल्लाह हाफिज़।